अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जो बाइडेन का अगला राष्ट्रपति बनना तय हो गया है। बाइडेन बहुमत के आंकड़े 270 सीटों से कहीं आगे निकल चुके हैं। शनिवार शाम को पेंसिल्वेनिया में मिली जीत ने उनके व्हाइट हाउस पहुंचने पर मोहर लगा दी है। अब से थोड़ी देर बाद बाइडेन का संबोधन होगा। अमेरिका में चुनाव जीतने के बाद बाइडेन का ये पहला संबोधन होगा। बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति होंगे। इन चुनावों में अमेरिका ने एक बड़ा इतिहास रचा है और बाइडेन को राष्ट्रपति चुनने के साथ साथ कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति चुना गया है। इसके साथ ही अमेरिका में जश्न का माहौल है। बाइडेन के समर्थक सड़क पर आकर जश्न मना रहे हैं। ये जश्न न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया तक मनाया जा रहा है। 4 दिन के सस्पेंस के बाद जैसे ही पेंसिल्वेनिया में जो बाइडेन ने जीत दर्ज की, वैसे ही डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थक जश्न में डूब गए। वहीं मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास अब भी कोर्ट जाने का रास्ता खुला है। ट्रंप पहले ही कई स्टेट में काउंटिंग को चुनौती दे चुके हैं और उन्होंने अभी भी चुनौती देने की बात कही है। पीएम मोदी ने जो बाइडेन और कमला हैरिस दोनों को जीत के लिए बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाइडेन को बधाई देते हुए जो ट्वीट किया, उसमें लिखा, जो बाइडेन इस शानदार जीत के लिए आपको बधाई। उपराष्ट्रपति रहते हुए भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करने के लिए आपका योगदान महत्वपूर्ण और अमूल्य रहा है। मैं भारत अमेरिका संबंधों को अधिक से अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक बार फिर से मिलकर काम करने की आशा करता हूं। वहीं अपनी जीत के बाद जो बाइडेन ने ट्वीट करके कहा, अमेरिका आपने हमारे महान देश का नेतृत्व करने के लिए मुझे चुना, इससे मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। आगे का काम मुश्किल जरूर है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ मैं सभी अमेरिकियों का राष्ट्रपति बनूंगा, भले ही आपने मुझे वोट दिया हो या नहीं। और सीधे हम रुख करते हैं, कमला हैरिस उस वक्त संबोधित कर रही हैं, आइए सुनते हैं कि इस जीत के बाद उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है। थैंक यू, गुड इवनिंग। सो कांग्रेसमैन जॉन लुइस बिफोर हिज पासिंग wrote, democracy is not a state, it is an act. And what he meant was that America's democracy is not guaranteed. It is only as strong as our willingness to fight for it. To guard it and never take it for granted. And protecting our democracy takes struggle. It takes sacrifice, but there is joy in it.